Yes, good afternoon, friends. Let's quickly revise yesterday's part. लिखना है हमें क्योंकि हमने कुछ कंसेप्ट कल का लिखा नहीं था. तो एवरीवन प्लीज स्टार्ट, रिवाइज करेंगे और लिखना भी है. यस सर, सब लोग हेडिंग दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट. आप लोगों ने हेडिंग देना है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट. चलिए सर, पहला डेफिनेशन हमने कल कवर किया था, दैट इज कॉस्ट. सो प्लीज राइट डाउन देयर कॉस्ट. फर्स्ट डेफिनेशन वी कंप्लीटेड कॉस्ट. जी सर, जल्दी बताइए कॉस्ट क्या है. इफ यू रिमेंबर सर, कॉस्ट क्या है? मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. सो प्लीज राइट डाउन, कॉस्ट इज मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन. Cost is monetary sacrifices done to achieve some objective. Monetary sacrifices done to achieve some objective. Objective will be, आगे लिखिएगा, objective will be manufacture oblique provision of service, manufacture or provision of service. Service, provision of service, manufacture or provision of service. चलिए सर, उसमें एक और लाइन लिखना है. Cost is amount of expenditure. एक और लाइन आपको लिखना है. Cost is amount of expenditure. Cost is amount of expenditure incurred on specific product or services. Incurred on specific product or services. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ राइट डाउन कॉस्टिंग. नेक्स्ट डेफिनेशन आपको लिखना है कॉस्टिंग. इट इज अ टेक्निक्स एंड प्रोसेस. इट इज अ टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. इट इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. Techniques and process of ascertainment of cost. Friends, जल्दी से बताइएगा अगला definition. Not as such definition, sir. Objective याद आ रहा है cost accounting के? पांच objective थे sir. कौन से objective थे sir? Ascertainment of cost. Second, determination of selling price. Third one, cost control, cost reduction. Fourth one, profitability of each product or services. And fifth one क्या था sir जी? Assist the management in decision making. So please write down objective of objective of cost accounting. Objective of cost accounting: first, ascertainment of cost. First, ascertainment of cost. Second, determination of selling price. Third one, cost control, cost reduction. Third one, cost control, cost reduction. Cost control, cost reduction. Fourth point, ascertainment of profit. Ascertainment of profit of each product oblique services. Ascertainment of profit of each product oblique services.
And last, assist or assisting management in decision making. Yes, sir, assist the management in decision making. सर आगे अगर आपको याद आ रहा है, हमने क्लासिफिकेशन कवर किया था. सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में पहला कवर हो गया था अपना ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट. सर तीन एलिमेंट थे, कौन से एलिमेंट थे सर? मटेरियल, एम्प्लॉई दैट इज लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल दो कैटेगरी का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब दो कैटेगरी का. चलो वो लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. उसमें फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑब्लिक एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑब्लिक एलिमेंट. On the basis of nature oblique element. चलिए सर वो चार्ट आपको प्रिपेयर करना है. स्टार्ट. चलो जल्दी बनाइए सर. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन पार्ट है, फटाफट. पहला है मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्सपेंसेस. मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल का दो कैटेगरी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. एम्प्लॉय का दो कैटेगरी, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय. सर जी एक्सपेंसेस का दो कैटेगरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस सर, मटेरियल दो कैटेगरी, एम्प्लॉय का दो कैटेगरी, एक्सपेंसेस का दो कैटेगरी. यहां तक अगर आपने लिखा है तो आगे लिखिएगा सर. मटेरियल हेडिंग दीजिएगा. अब डिटेल में लिखना है हमें, मटेरियल डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, जो कल डिस्कशन किया था, दैट विल हैव टू राइट देयर. चलो राइट डाउन. डायरेक्ट मटेरियल आप लिख रहे हो सर जी, डायरेक्ट मटेरियल. सर मुझे बताइए ना सर, डायरेक्ट मटेरियल का दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था. डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज, मटेरियल कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, और जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो सकता है, वो डायरेक्ट मटेरियल है. प्लीज राइट डाउन. दीज आर द मटेरियल डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन. These are the material directly used for production. These are the material directly used for production. Direct material can be seen into the final product. Usme hi agla point. Direct material can be seen into the final product. Direct material can be seen into the final product.
Next point, input-output relationship. Input-output relationship. Is constant and identifiable. Is constant and identifiable. Is constant and identifiable. सर मुझे एग्जाम्पल लिखवा के देना है. सर कौन सा एग्जाम्पल लिखे डायरेक्ट मटेरियल का? फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट मटेरियल सर वुड, लेमिनेट एंड आयरन एंड स्टील. राइट डाउन एग्जाम्पल फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री. फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री वुड, स्टील, आयरन, लैमिनेट्स आर डायरेक्ट मटेरियल. आर डायरेक्ट मटेरियल. सर डायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है? इफ यू रिमेंबर सर जी, एक प्राइम कॉस्ट का पार्ट रहता है और एक ओवरहेड का पार्ट रहता है. डायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है सर जी? प्राइम कॉस्ट. क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कहां पे जाता है आपका? प्राइम कॉस्ट. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाता है आपका? ओवरहेड्स में जाता है. प्लीज राइट डाउन. डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. Direct material is a part of prime cost. Chalo sir, next paragraph, indirect material. Indirect material. These are the material indirectly used for production. These are the material indirectly used for production. Indirectly used for production. These material cannot be seen into the final product. These material cannot be seen into the final product. Cannot be seen into the final product. That is, identity of these material is lost. Identity of these material is lost example sir mujhe example dijiye koi bhi factory mein indirect material kaun sa rahega cleaning material maintenance ka material theek hai petrol diesel used for generation of electricity theek hai so write down example example mein aap likh rahe ho sir ji material for repairs maintenance cleaning material used for generation of electricity material used for generation of electricity or steam material used for generation of electricity or steam chal indirect material is a part of sir answer do indirect material is a part of kya hai is it overheads yes sir indirect material is a part of overheads likhiyega aage indirect material is a part of overhead spare part yani kaun sa tools etc aap baat kar rahe ho यस सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लिखा सर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ
ओवरहेड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉई ऑब्लिक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉई ऑब्लिक डायरेक्ट लेबर, दीज वर्कर लिखो, दीज वर्कर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, दीज वर्कर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ वही पॉइंट में, देयर वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, देयर वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। देयर वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉई, नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉई इज अ पार्ट ऑफ, सर बताइए सर, इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल कारपेंटर, परफेक्ट सर, कारपेंटर, फिनिशर, कारपेंटर फिनिशर इन फर्नीचर इंडस्ट्री, कारपेंटर कॉमा फिनिशर इन फर्नीचर इंडस्ट्री, कारपेंटर कॉमा फिनिशर इन फर्नीचर इंडस्ट्री। चलिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, दीज वर्कर आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, दीज वर्कर आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, देयर वर्क कैनॉट बी सीन, देयर वर्क कैनॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, देयर वर्क कैनॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, देयर वर्क कैनॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। एग्जाम्पल क्लीनिंग स्टाफ, एग्जाम्पल क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, एग्जाम्पल क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, सर जी कॉमा, सर और एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, हमने कल कुछ डिस्कस किया था सर, स्टोर रूम वाले, स्टोर कीपर, या फिर सर जी स्टोर मैन लिखो, वेजेस और सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, वेजेस और सैलरी ऑफ द स्टोर कीपर एक्सेट्रा। हाँ सर, कॉमन यानी,
हाँ, क्लीनिंग मेंटेनेंस वाले, ठीक है, जनरली लोडिंग करने वाले, अनलोडिंग करने वाले, ये इनडायरेक्ट वर्कर है, ये कॉमन रहेगा, बराबर है आपका हर एक इंडस्ट्री में। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सर ये लिखा ना हमने, इनडायरेक्ट वर्कर इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स लिखा है, चलो आगे लिखिए सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, एग्जाम्पल सर, दो एग्जाम्पल याद रखने के लिए बोला था आपको, वो दो एग्जाम्पल कौन सा, एक रॉयल्टी था और दूसरा कौन सा था सर जी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, राइट डाउन एग्जाम्पल, रॉयल्टी एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, एग्जाम्पल रॉयल्टी एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, प्राइम कॉस्ट या ओवरहेड्स में जाएगा सर जी, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। चलिए एंड लास्ट पार्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट, दीज एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट आर इनडायरेक्टली इनकर्ड, दीज कॉस्ट विल नॉट डिपेंड ऑन, दिस कॉस्ट विल नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, एग्जाम्पल सर मुझे एटलीस्ट पांच एग्जाम्पल दीजिएगा ना, पांच एग्जाम्पल चाहिए सर, एटलीस्ट मिनिमम फाइव एग्जाम्पल, पहला रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या क्या सर जी, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, लिखो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर मत लिखना सर, पावर मत लिखना सर, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना पावर ज्यादा लगेगा, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट, एक जनरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सर, ये हो गया एलिमेंट के बेसिस पे, सर कल हमने एक और डिस्कशन इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया था, नेचर के बेसिस पे हो गया, एलिमेंट के बेसिस पे हो गया, अब दूसरा क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, सर तीन बिहेवियर है, तीन टाइप का कॉस्ट हो सकता है सर, कौन सा है, एक हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा एक हो सकता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपको याद आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का नेचर बताइए, वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, वेरी होगा या नहीं सर जी, चेंज होगा, किसके बेसिस पे चेंज होगा सर जी, प्रोडक्शन के बेसिस पे, रिलेशनशिप कैसा है सर वेरिएबल कॉस्ट का और प्रोडक्शन का, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और सर अगर आपको याद आ रहा है कल एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, ओके, और सर जी फिक्स कॉस्ट का क्या नेचर है सर, नो रिलेशनशिप ऑफ द फिक्स कॉस्ट विद द प्रोडक्शन, अप टू योर कैपेसिटी, जैसे बोला था 400 का क्लासरूम है ये कैपेसिटी का, उससे ज्यादा आया तो मुझे रेंट वगैरह ज्यादा लगेगा, बाकी 400 तक अगर स्टूडेंट आते हैं तो सर मुझे रेंट उतना ही लगेगा, तो फिक्स कॉस्ट अप टू सर्टन लेवल कॉन्स्टेंट है सर, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था फिक्स कॉस्ट के बारे में, इफ यू रिमेंबर सर, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम,
ठीक है सर, प्लीज राइट डाउन। सेमी वेरिएबल रह गया सर। सेमी वेरिएबल क्या है बताइए सर? सेमी वेरिएबल, हाँ, पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल, नॉट परफेक्टली फिक्स नॉट परफेक्टली वेरिएबल, इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो ठीक है, लिखते हैं। क्लासिफिकेशन सर, सेकेंड पॉइंट आप लिख रहे हो, नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे हो गया सर। अगला पॉइंट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। चलिए सर, उसमें पहला लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें पहला लिखिएगा सर फिक्स्ड कॉस्ट। सर क्या लिखूं फिक्स कॉस्ट के बारे में, फटाफट अभी डिस्कशन कर दिया था। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ फिक्स कॉस्ट विद द प्रोडक्शन, अप टू योर कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट विल बी कांस्टेंट एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज राइट डाउन। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, fixed cost will remain constant irrespective of the production. Hence there is no relationship, hence there is no relationship between fixed cost and production. रेड पेन से लिखिएगा अगला पॉइंट, या फिर कोई और पेन अगर आपके पास रहेगा तो वो पेन से लिखिएगा। फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, अगर रेड पेन रहेगा तो प्लीज लिखिएगा फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। सर एग्जांपल दो ना फिक्स कॉस्ट का, रेंट है, ओके रेंट है, और इंश्योरेंस है, और सैलरी सिक्योरिटी, चलो सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी एक्सेट्रा, ये फिक्स है, ओके राइट ऑन। एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, जी सर। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट आप लिख रहे हो सर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, यस सर। वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखा आपने, will vary according to production, there is a direct relationship of variable cost and production, there is a direct relationship of variable cost and production. रेड पेन से लिखिएगा, यस सर रेड पेन से लिखिएगा सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। सर एग्जांपल लिखिए फटाफट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
चलिए सर, नेक्स्ट पार्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगला पार्ट आप लिख रहे हो सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जी सर, राइट डाउन। दीज कॉस्ट आर नॉट परफेक्टली फिक्स एंड नॉट परफेक्टली वेरिएबल। These costs are not perfectly fixed and not perfectly variable. Sir, example याद आ रहा है, telephone bill and electricity bill. Perfect sir, very good. Write down example, telephone bill / electricity bill. यस सर, कंप्लीटेड हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सर पीछे खिड़की बंद है ना, देख लेना एक बार, क्योंकि नीचे लेक्चर ले रहा था अभी, रिवीजन का लेक्चर था, तीन बंदर डायरेक्टली क्लास में आ गए। हाँ, तीन बंदर डायरेक्टली क्लास में आ गए, ठीक है। तो एक बंदर तो वहां पे बैठा था, एक इधर ऐसे बैठा था और एक ऐसे यहां तक आया। मुझे लगा नहीं आएगा मेरे पास, हाँ कॉस्टिंग के लेक्चर में अभी थर्ड फ्लोर में, मुझे लगा नहीं आएगा मेरे पास बॉस, उसने डायरेक्टली जंप किया यहाँ पे, मेरा पूरा लैपटॉप वगैरह सब नीचे, मोबाइल वगैरह नीचे है, ठीक है। और सर एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया। हाँ रियली, इसलिए बोल रहा हूँ सर पीछे सब बंद है ना, एक बार देख लेना सर। और सर बच्चे भी इतने जबरदस्त है, मस्त वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पे अपलोड भी हो गया है सर, प्रेस्टीज पॉइंट पे बंदर कॉस्टिंग के क्लास के अंदर, ऐसे कुछ तो भी उन्होंने हेडिंग भी बनाया। सो बता दो, मैं शेयर करता हूँ, वो जबरदस्त वीडियो भी मस्त बनाया स्टूडेंट लोगों ने। चलिए तो सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, राइट ऑन। ये जो अभी कॉस्ट लिखा है ना अपने, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए सर ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ऐसा ही लिखो सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यस सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पहले सर हमने सीक्वेंस में क्या लिखा है, पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखा है या फिक्स कॉस्ट लिखा है? पहले सीक्वेंस में क्या लिखा है, इज इट फिक्स कॉस्ट? ओके सर, ये तो बता दीजिए सर, ये बताइए एक्स एक्सिस पे हमें लेना क्या है सर, फास्ट आंसर देना सर, इज इट आउटपुट? और वाई एक्सिस पे क्या लेना है सर हमें, इज इट कॉस्ट? ठीक है सर, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट प्लॉट करना है लाइन, तो वो फिक्स कॉस्ट आएगा कहां पे सर, जल्दी बताइए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या ओरिजिन से स्टार्ट होएगा सर, जल्दी बताइए कहां से स्टार्ट होएगा सर, इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ये आएगा आपका फिक्स कॉस्ट का लाइन, कितना भी आउटपुट आने दीजिए, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट आएगा। कितना भी आउटपुट आने दीजिए, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट आएगा। यस सर। So, पहला आपने लिखा अबाउट द फिक्स कॉस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलिए सेकेंड हमने लिखा हुआ है सर जी वेरिएबल कॉस्ट, तो एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अगेन एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है, y एक्सिस पे हमने कॉस्ट लिया हुआ है ओरिजिन। सर इफ यू रिमेंबर, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होएगा सर, इज इट पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस या ओरिजिन से स्टार्ट होएगा सर? पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, अगर जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, जीरो, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट
बढ़ती जाएगा. ओके ये आपका वेरिएबल कॉस्ट लाइन. चलिए सर, लास्ट पार्ट, लास्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए. यस सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए अगेन एक्स एक्सिस पे वही नोटेशंस यूज किया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट कंसीडर किया. सर थोड़ा एक्सप्लेन करो प्लीज. सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बिहेवियर किसका किसका है सर? हाँ, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का है. ओके प्लीज कॉन्सेंट्रेट है, बाद में ड्रॉ करना सर. यू कैन ड्रॉ लाइक अ स्टेप ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ लाइक अ स्टेप. लेकिन सर एक और मेथड से इसका प्रेजेंटेशन होता है सर. एक आया आपका वेरिएबल कॉस्ट, सर क्या आया वो? एक आया आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है सर. सर उसमें फिक्स कॉस्ट का भी बिहेवियर है, राइट है? तो सर जी एक आएगा आपका फिक्स कॉस्ट, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, सर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिक्स कॉस्ट का लाइन, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा थोड़ा सा मैंने कर्व दिया है सर, कुछ आंसर देते आएगा सर. फिक्स कॉस्ट जैसे कि कुछ लेवल के लिए फिक्स है लेकिन कुछ लेवल के बाद वो इंक्रीज होएगा, इसलिए सर ऐसा लाइन थोड़ा सा आप ड्रॉ करना है, ऐसा लेके थोड़ा ऊपर आपको लेके जाना है. जैसे क्लास की कैपेसिटी सर, 400 के कैपेसिटी तक एक फिक्स रेंट लगेगा, लेकिन 400 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो सर जी मुझे रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक्सेट्रा. तो सर आप वो ड्रॉ करेंगे. रुकिए सर जस्ट अ मिनट. सर मेन लाइन तो रह गया, मेन लाइन कौन सा आएगा सर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अब आप मुझे बताएंगे सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का लाइन कहां से ड्रॉ करूं सर? एक देखो वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से गया, फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है सर. अगर सेमी वेरिएबल यानी टोटल कॉस्ट का लाइन आएगा कहां से सर जी? सर यहां से आएगा ना, ठीक है यहां से आएगा. पहले ये दो आप ड्रॉ कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. और थोड़ा बेंड देना बॉस यहां पे, यस सर. सेम बेंट आपने टोटल कॉस्ट दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए अप्लाई किया. सर बिंदास आप ऐसा भी कर सकते हो डायग्राम, ये भी आपका स्टेप कॉस्ट है, ऐसे स्टेप वाइज भी किया आपने तो भी चलेगा. लेकिन आप अगर आपका स्टडी मटेरियल देखेंगे तो स्टडी मटेरियल में जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम है. हाँ, जैसे आपका फिक्स कॉस्ट का कर्व जहां पे हुआ है ना एग्जैक्टली वो पॉइंट पे ऊपर आपका आना चाहिए. जहां पे फिक्स कॉस्ट का बेंड दिया है वहां पे ही टोटल कॉस्ट का भी बेंड दीजिएगा. ओके सर, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है. सर बिलीव मी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्यों ड्रॉ करके दिया हुआ है सर. एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, आपको क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स के लिए.
explain the behavior of cost, yeah, classification cost on the basis of behavior and also present graphically. ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है. एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट ग्राफिकली. तो ग्राफ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें. टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट वेस्ट कर रहे हैं. तो आ सकता है मार्क इंपॉर्टेंट दिस चार्ट. सर वो जबरदस्त पॉइंट कल हमने किया था, आगे आपको हेडिंग देना है सर. सर क्या लास्ट पार्ट क्या कवर किया था सर? तीन मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे, इफ यू रिमेंबर सर. तीन मेथड. किसके तीन मेथड थे सर? ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट किया था. पहला मेथड याद करना है सर. पहला मेथड कौन सा था? ग्राफिकल मेथड है. जल्दी बताइए सर, बिल्कुल याद करना है. एक्स एक्सिस पे क्या लिया था? आउटपुट. वाई एक्सिस पे क्या लिया था? कॉस्ट. ओके, सबसे पहले तो ये बताइए सर, आपको जो जो आउटपुट दिया था उसका कॉस्ट भी दिया था? तो क्या किया सर हमने? हर एक आउटपुट का जो कॉस्ट के पॉइंट्स प्लॉट किए, फिर आगे क्या किया? अरे आगे क्या किया? एक लाइन ड्रॉ किया कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट. सर उसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया. वो वाई एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्शन किया वो क्या था? आपका फिक्स कॉस्ट था. और वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, वो फिक्स कॉस्ट लाइन आ गया. फिर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया सर? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, चलो राइट डाउन. मार्क इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. मेथड्स ऑफ बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मेथड्स ऑफ बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मेथड्स ऑफ बाइफरकेशन ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. Bifurcation of semi-variable cost. Yes, sir. Method number one. Yes, sir. Method number one. Graphical method. Method number one. Graphical method. Answer चाहिए sir. वो point wise लिखना है sir. Exam में आएगा आपको. Old syllabus में आया था ये question. सर क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस ऐसा लिखना है पूरा. ऑन एक्स एक्सिस विल कंसीडर आउटपुट. लिखो पॉइंट नंबर वन. ऑन एक्स एक्सिस विल कंसीडर आउटपुट. यस सर. पॉइंट नंबर टू. On y-axis, we'll consider cost. On y-axis, we'll consider cost. Third point. For each output, we will plot points on graph. For each output, we will plot points on graph. We'll plot points on graph. Next step, sir, fourth step. We'll draw one straight line. We will draw one straight line covering. We'll draw one straight line covering maximum of these points. Covering maximum of these points. Next line. This line will intersect y-axis. This line will intersect y-axis. This line will intersect y-axis that intersection is nothing but dash dash. Sir that intersection is nothing but dash dash. Wo intersection kya hai? Fixed cost. That intersection is fixed cost. That intersection is fixed cost.
will draw straight line parallel to x-axis. Next point. We'll draw straight line parallel to x-axis. We'll draw a straight line parallel to x-axis. From that intersection point. And last point, difference between total cost and fixed cost. Difference between total cost and fixed cost will be variable cost. चलिए सर क्विकली फास्टर एक एग्जांपल लिखना है आपको. सही पहला पार्ट लिखेंगे आप आउटपुट, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट आप लिख रहे हैं कॉस्ट. पहला पार्ट आपने लिखा आउटपुट, सेकंड पार्ट लिख रहे हो आप कॉस्ट. सर जी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है. आउटपुट लिखा आपने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. सर याद आ रहा है कल हमने कॉस्ट लिखा था इसमें. सर कॉस्ट 20,000 था. नेक्स्ट आया था आई थिंक सो 30,000 था, 40,000 था, 50,000 था. सर ये तो बोलो ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करना है सर ये तो बताओ. अगर वेरिएबल है तो क्या होना चाहिए, पर यूनिट सेम आना चाहिए. सर पहले लेवल में कितना आ रहा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 1.5 या 2. 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 1.5. 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 1.33. 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 1.25. पर यूनिट सेम नहीं है. तो टोटल सेम है क्या? तो ना पर यूनिट सेम है ना टोटल सेम है. इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है सर जी? आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. चलो ठीक है, अब आपको ग्राफ खुद से प्रिपेयर करना है. चलो सॉल्व करो सर, आपको ग्राफ खुद से प्रिपेयर करना है. फास्ट 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 एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया आउटपुट, वाई एक्सिस पे ले लिया आपने कॉस्ट. एक्स एक्सिस पे आ गया आपका आउटपुट, वाई एक्सिस पे आ गया आपका कॉस्ट. सर कुछ लोग है ना वाई एक्सिस 20,000 से चालू किया. सर 10,000 से चालू करना सर, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मैच नहीं होएगा आपका आंसर. सर बताइए, चलो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, पॉइंट भी ड्रॉ कर लिए सर. अब आगे बताइए क्या करो सर, तीसरा स्टेप क्या था सर जी? ड्रॉ लाइन के पहले सर पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे ना. 10,000 के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है सर? इज इट 20,000? तो एक पॉइंट ड्रॉ किया. सर 20,000 के लिए कॉस्ट आ रहा है आपका 30,000, एक और पॉइंट ड्रॉ किया. 30,000 के लिए कॉस्ट आ रहा है सर जी 40,000, एक और पॉइंट ड्रॉ किया. 40,000 के लिए एक पॉइंट आ रहा है सर 50,000.
तो हर एक आउटपुट के लिए पॉइंट्स प्लॉट किए सर, अब आगे बताइए करना क्या है सर, विल हैव टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग दीज पॉइंट्स। चलो जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। सर इसने इंटरसेक्शन कर दिया सर जी एक्स एक्सिस को, तो ये क्या हो गया आपका, इज इट फिक्स कॉस्ट हो गया। ये आ गया आपका फिक्स कॉस्ट लाइन। सर अब आप आगे बताइएगा सर, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूं सर जी, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये जो डिफरेंस है वहां पे लिख दो सर वेरिएबल कॉस्ट, ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो डिफरेंस आए वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे आप फाइंड करके बताइए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कल का याद मत करो, यहां पे सोच के बताइए सर कैसे क्या है 1 रुपीज सर बताइए। सपोज सपोज 10,000 के लिए टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, 10,000 के लिए टोटल कॉस्ट कितना था सर जी, इज इट 20,000 था, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है, इज इट 10,000 है, तो सर जी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा आपका 10,000, ये आया आपका टोटल पर यूनिट कितना आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इज इट 1 रुपीज आया। ठीक है तो एक लाइन और लिख लेना सर इसके बाद, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, एक लाइन और लिख लेना वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फ्रेंड्स अगर 60,000 यूनिट्स है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, फास्ट आंसर देना सर, 60,000 अगर यूनिट्स है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा सर, 60,000, 70,000, कैसे सर, 10,000 का फिक्स कॉस्ट एज इट इज आएगा और वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट है, तो सर जी 60,000 इंटू 1 रुपए कितना आ गया, 60,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 10,000, इज इज 70,000 कॉस्ट आया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक मेथड हो गया, सेकेंड मेथड लिखिएगा सर अभी, सर बताइए सेकेंड मेथड कौन सा था, नाम याद आ रहा है सर आपको, नहीं हाई लो तीसरा मेथड था, उसके पहले लेवल ऑफ एक्टिविटी, परफेक्ट सर राइट ऑन, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। Here, लिखो आगे लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक सेकंड ना सर, सर वो फॉर्मूला याद आ रहा है बाय चांस, अगर किसी का ध्यान रहेगा एंड तक, फॉर्मूला याद आ रहा है सर लेवल ऑफ एक्टिविटी से वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा सर जी, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट सर, बराबर है क्या, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, चलो ठीक है वेरी गुड सर याद आ रहा है आपको, राइट ऑन। हियर we will calculate variable cost per unit, here we will calculate variable cost per unit here we will calculate variable cost per unit with the help of following formula, with the help of following formula, with the help of following formula, difference in cost between any two levels, difference in cost between any two levels divided by difference in output, divided by difference in output, जी सर डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन आउटपुट, सर 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 यहां पर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है,
कैसे आएगा सर? यहां पे फिक्स कॉस्ट फाइंड करना, एक सेकंड सर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइएगा सर, आपके सामने क्वेश्चन है, कोई भी दो लेवल लेते हैं सर, पहला और दूसरा लेवल लेते हैं सर, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। सर बताइएगा पहले और दूसरे लेवल का कॉस्ट कितना है? अरे सर 30,000 है ना सर जी, 30,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट कितना लू सर? 20,000 माइनस 10,000, न्यूमरेटर में कितना है सर? 10,000, डिनोमिनेटर में कितना है सर? 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? इज इट वन? अगर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है तो कैसे आएगा, जल्दी बताइए सर। सर सब लोग आंसर देना, फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा सर जी? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर सपोज 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट चेक करते हैं, 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है सर? इज इट 20,000 है? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक रुपया मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अरे हाय ना, एक रुपया तो एक यूनिट का है, टोटल चाहिए तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट का? इज इट 10,000? क्या ग्राफिकल मेथड से भी यही आंसर थे क्या सर? फिक्स कॉस्ट 10,000 आया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक रुपया आया था। अरे हाय ना, चलिए सर कहां तक लिखा आपने? सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, आगे लिखिएगा। Here fixed cost will be, here fixed cost will be total cost minus total variable cost, total cost minus total variable cost। यस सर, आइए सर तीसरा मेथड देखते हैं अभी। सर ये लास्ट हमने कल किया था, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया है। लास्ट मेथड कौन सा था सर जी? हाई लो पॉइंट मेथड। लिखो हाई लो पॉइंट मेथड, हाई लो पॉइंट मेथड। हियर वी विल फॉलो सेम फॉर्मूला एज अबव। लिखो हियर वी विल फॉलो सेम फॉर्मूला एज अबव, हियर वी विल फॉलो सेम फॉर्मूला एज अबव, बट क्या सर? बट क्या सर? वही फॉर्मूला, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। बट क्या, कौन से लेवल के लिए? बट वी विल कंसिडर हाइएस्ट आउटपुट एंड लोएस्ट आउटपुट। बट वी विल कंसिडर, but we will consider highest output and lowest output, but we will consider highest output and lowest output। in above example, in above example, variable cost per unit will be, in above example variable cost per unit will be, in above example variable cost per unit will be, sir आप answer दे रहे हो, difference in cost upon difference in output। मुझे पता ही नहीं सर cost कितना लू, highest level आप देखो, lowest level आप देखो और answer दो सर, highest level में cost कितना आया है? अच्छा 50,000 है। लोएस्ट लेवल में कॉस्ट कितना आया सर? 20,000 डिवाइडेड बाय सर जी हाईएस्ट लेवल 40,000 है, लोएस्ट लेवल कितना है सर जी? 10,000 है। तो सर जी न्यूमरेटर आया आपका 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, सेम आंसर आना चाहिए सर आपका, दैट इज 1 रुपीज आंसर आया। जी सर आपका आंसर 1 रुपीज आया। सर यहां तक हमने कल कंप्लीट किया था, अब इसके आगे के मेथड्स बताने बाकी है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मेथड नंबर 4, लीस्ट स्क्वायर मेथड। यस सर, फोर्थ मेथड आपको लिखना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड।
जी सर, लीस्ट स्क्वायर मेथड। सर यहां पे ध्यान दो, अभी अब लिखना बाद में सर, अब समझना है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला है सर जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या फॉर्मूला है सर? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर फाउंडेशन में किया था हमने ये फॉर्मूला, फाउंडेशन में ये फॉर्मूला किया था सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके सर जी, आप मुझे बताइए m का मतलब क्या, x का मतलब क्या और c का मतलब क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है सर जी। परफेक्ट है सर, सी फॉर कॉन्स्टेंट। सी फॉर कॉन्स्टेंट यानी ये फिक्स कॉस्ट है बॉस। सर जी एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स आउटपुट, एक्स पे हमने क्या लिया था, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया था। अरे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, आउटपुट, इसलिए वो आउटपुट है। और एम क्या है सर जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बाय द वे फिर वाई क्या है? शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया, टोटल कॉस्ट है वाई। बताइए सर क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू वॉट, टोटल कॉस्ट। सर जी m इज इक्वल टू वॉट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर जी x यानी x एक्सिस पे क्या लिया था, आउटपुट, एंड c स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे सर हमें, एटलीस्ट दो, कोई भी दो, ठीक है। अब आप बताइए सर, पहला लेवल चेक करते और दूसरा लेवल चेक करते, कोई भी दो कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली। पहला लेवल में y यानी टोटल कॉस्ट कितना था सर जी, इज इट 20,000 था, इज इक्वल टू m, m यानी वेरिएबल कॉस्ट। पता नहीं सर m यानी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ही तो कैलकुलेट करना है। ओके सर जी, x यानी आउटपुट, आउटपुट कितना है सर, 10,000 है, प्लस c, c भी नहीं पता सर क्या है, वही तो कैलकुलेट करना है, c कॉन्स्टेंट। दूसरा इक्वेशन बताइए सर, फटाफट आंसर देना सर। दूसरा जो लाइन था, दूसरा जो आउटपुट था, इज इट 30,000 था सर? ओके सर जी, एम पता नहीं है सर, 20,000 है ना, ये 20,000 है। ओके प्लस सी, सर प्लीज हेल्प करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा टेंशन आ जाता है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। सर बताइए क्या करूं, माइनस कर लेता हूं ना इक्वेशन, सीसी कैंसिल हो जाएगा सर जी, माइनस माइनस माइनस, सीसी कैंसिल। सर जी इज इट माइनस 10,000 आया, इज इक्वल टू माइनस 10,000 एक्स, नहीं 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 एम आया, दोनों साइड में माइनस माइनस है, प्लस हो गया ना बॉस, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 10,000, इज इट 1। बाय द वे एम क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था। नो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी by substituting m in any one of the equation, yes. You can find the value of c, ठीक है, समझा? तो सर एक मिनट, आपने कहा कुछ भी नहीं लिखा ना, सिर्फ हेडिंग दिया ना least square method, चलो आगे लिखिएगा। least square method, here we will bifurcate semi-variable cost, here we will bifurcate semi-variable cost into variable and fix, semi-variable cost into variable and fix, with the help of following formula, that is with the help of following formula, that is linear equation. Sir, बहुत खुंखार word है, जेपता ही नहीं था सर foundation में, linear equation, that is linear equation. That is, चलो फॉर्मूला लिखो, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हियर वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हियर वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट,
M is equal to variable cost per unit. M is equal to variable cost per unit. X is equal to output. X is equal to output. X is equal to output and C, fixed cost. C, fixed cost. In above example, in above example, we will select first two levels. We will select first two levels. To find equations. सर लिखो, ये जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है वो आपको पूरा लिखना है. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. ट्वेंटी कॉस्ट है इज इक्वल टू एम इंटू यूनिट्स. Plus C. सॉल्व करो सर दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली. इक्वेशन वन माइनस टू या टू माइनस वन, वॉट एवर आपने लेस किया, एम का वैल्यू आया वन. सर इमीडिएटली सी का भी वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो. 20,000 इज इक्वल टू एम इन यानी वन इंटू 10,000 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 10,000. देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वन, fixed cost is equal to 10,000. Variable cost per unit is equal to 1, fixed cost is equal to 10,000. Sir, kal maine ek जबरदस्त एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद आ रहा है सर, वो एन समेशन वाला. हाँ वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो ओवरहेड टॉपिक में और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में बताऊंगा. सर याद करो ना वो क्या था, एन समेशन. सर याद करो एन समेशन. हाँ एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. शाबाश सर. तो इससे जो आता है ना सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है. क्या आता है इससे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है. अभी नहीं देखना है सर, ये मेथड का नाम ही लीस्ट स्क्वायर ही है. लेकिन सर ये हम लोग ओवरहेड टॉपिक में डिटेल में देखेंगे. अब हमारे पास डेटा नहीं है, तब देखेंगे सर. अच्छे से समझेगा ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. चलिए सर लास्ट मेथड, ये लिखवा के नहीं दे रहा हूं, ओवरहेड के वक्त लिखवा के दूंगा. लास्ट मेथड खत्म सर. और ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, थ्योरेटिकल मेथड है. लिखो एनालिटिकल मेथड. लास्ट मेथड लिखो एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड लास्ट मेथड आपको लिखना है. एनालिटिकल मेथड सर कुछ नहीं, एनालिटिकल मेथड में एक्सपर्ट को अपॉइंट करो, वो बाइफरकेट करेगा. क्या मेथड है सर? क्या बोला? एक्सपर्ट को अपॉइंट करो, वो बाइफरकेट करेगा कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है. ये क्या मेथड है क्या सर? थ्योरेटिकल मेथड है सर. वो जो एक्सपर्ट है वो कुछ ना कुछ यही मेथड फॉलो करेगा ना. तो ये जस्ट थ्योरेटिकल मेथड है, इसलिए आपको बोला. लिखो
अब हंस क्यों रहे हो? चलिए, अंडर दिस मेथड एक्सपर्ट विल ट्राई टू एनालाइज द कॉस्ट एक्सपर्ट विल ट्राई टू एनालाइज द कॉस्ट ही विल आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ही विल आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर ईच सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर ईच सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर ईच सेमी वेरिएबल कॉस्ट चलिए सर, दैट्स इट। सो हमने सर क्या क्या कंप्लीट किया सर? चलो ये बताइए सर, ये जो चार्ट है, ये चार्ट में से दो पार्ट कंप्लीट हो गया सर। कौन सा कंप्लीट हो गया? नेचर और एलिमेंट हो गया, बिहेवियर हो गया। बिहेवियर में तीन था, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर कर लिया सर, सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में कैसे बाइफरकेट करें। पांच मेथड है। पहला मेथड कौन सा बताया? मेथड याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, ये मेथड से सॉल्व करो, तो यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड। सबसे पहला है ग्राफिकल, दूसरा नाम याद रखना है सर, लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर सर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है ना, कंपैरिजन ऑफ पीरियड भी बोलते हैं उसको, लिखो वहां पे कंपैरिजन ऑफ पीरियड। लेवल ऑफ एक्टिविटी में एक और नाम लिखो, कंपैरिजन ऑफ पीरियड। यानी सर आपको 2 साल का डेटा दिया जाएगा, 2 पीरियड का डेटा दिया जाएगा, उससे आप बाइफरकेट कर सकते हो, ईयर वन ईयर टू सेम फॉर्मूला है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तीसरा कौन सा था सर? हाई लो पॉइंट मेथड। नेक्स्ट कौन सा था? ली स्क्वायर। आज सीखा हमने ली स्क्वायर मेथड। ली स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स आउटपुट, सी फिक्स कॉस्ट। कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो और वैल्यू फाइंड करो एम का और सी का, ठीक है। चलिए सर, हाँ लास्ट मेथड रह गया, यस बराबर है मैम, मैम का एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। लास्ट मेथड कौन सा है? एनालिटिकल मेथड। एक्सपर्ट को अपॉइंट करो, वो बाइफरकेशन करेगा वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, दैट्स इट सर। तो आई थिंक सर कम से कम 10 मार्क्स का आपका यहां तक हो गया है। एक क्वेश्चन कंपल्सरी सर, कितने भी अटेम्प्ट के पेपर देख लो आप, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल फिक्स। एक तो ओवरहेड टॉपिक में आएगा या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में आएगा। 5 मार्क्स तो फिक्स है सर इसका, ठीक है। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, बाकी जो बचा कुचा थ्योरी है वो कवर करेंगे सर। कल से बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक करने वाले हम लोग? कॉस्ट शीट। 10 मार्क्स है, तो अगले 2 लेक्चर में और 10 मार्क्स आप लेके जाएंगे। कंफर्म सर, जितने आज तक एग्जाम्पल आए सारे एग्जाम्पल कवर करना है। आरटीपी, आरटीपी पता है ना क्या रहता है? रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किया है, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, सब कुछ अपन कॉस्ट शीट पूरा कवर करने का है। 2 लेक्चर में 10 मार्क्स मिलेगा अपने को, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर को मैंने बताया था कॉस्ट शीट 4 अटेम्प्ट में पूछा गया था, और सर इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा थियरी है, थियरी में थोड़ा सा कम ज्यादा रहता है, लेकिन सर जी यानी इंटरेस्ट इतना नहीं रहता है थियरी में, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा सर जबरदस्त मजा आएगा। लेकिन सर इंस्ट्रक्शन ये है, कल से लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल का लेक्चर अगर मिस होता है तो वो कॉस्ट शीट का जो पार्ट है वो समझेगा नहीं, अगला लेक्चर में उसका अफेक्ट होगा। तो सर रेगुलर आपको ये अटेंड करना है। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। सर क्लासिफिकेशन तीसरा कौन सा है? हाँ ओके, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सर फंक्शन चेक करो कौन से सर? सेम है ना फंक्शन, कौन से आपके स्टडी मटेरियल का पार्ट है सर। ये आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना वो छापा हुआ है सर ये क्वेश्चन के लिए। क्या क्या दिया सर? फंक्शन मटेरियल लाया,
लेबर लाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है, सेलिंग एक फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन है. एक नया फंक्शन दिख रहा है सर यहाँ पे, कौन सा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, फंक्शन है. तो सर आप कॉस्ट क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, सेलिंग फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट फंक्शन है, वर्कर को रिक्रूट करना ये भी एक फंक्शन है, एंड मेन इंपॉर्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D. तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस किया है, मटेरियल लेबर वगैरह क्या है. ओके सर जी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोलेबिलिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. सर नाम से ही पता चलता है कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन सा कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते. सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ये कॉस्ट का बाइफरकेशन, कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कौन सी अनकंट्रोलेबल है, ये बाइफरकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचिए सर. सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. तो सर अगर आपने आपका टाइम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को कंट्रोल करने में वेस्ट कर दिया तो हासिल कुछ भी नहीं होएगा. अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा से स्टेटमेंट हो गया. मैं बोला अगर आपने आपका टाइम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में लगा दिया तो हासिल कुछ भी नहीं होएगा. से फॉर एग्जाम्पल सर, मैं बहुत दिमाग लगाया ये क्लासरूम का रेंट कम करने का, ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया है 2 लाख रुपए पर मंथ, ये क्लासरूम का एग्रीमेंट है सर, ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया. मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूं, 10 दिन से सोच रहा हूं कैसे कम करूं, कैसे कम करूं, कैसे कम करूं, और रिक्वायरमेंट तो इतना है ही सर. तो सर कुछ हासिल होएगा क्या? नो. लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी का ये कम कर सकते हो क्या सर? कैसे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, जहां पे स्टूडेंट बैठा है वही लाइट्स फैन एसी वगैरह ऑन किया, जहां पे स्टूडेंट नहीं बैठा है वहां पे प्रोजेक्टर लाइट फैन वगैरह सब कुछ बंद है. तो कंट्रोल क्या कर सकता हूं सर जी मैं? वेरिएबल कॉस्ट. जनरली फिक्स कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जनरली फिक्स कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं सर जी, क्या मैं मटीरियल का कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूं क्या? नहीं, आपको सोचना है सर, क्या मैं मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूं क्या, कम कर सकता हूं क्या मटेरियल का कॉस्ट? हाँ ओके, बराबर है आपका आंसर. कैसे? मेथड तो बताइए सर, कैसे कम कर सकता हूं मटेरियल का कॉस्ट? एकदम बराबर सर जी, मैं मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस चेक करूंगा, अगर जहां पे वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज मैं कंट्रोल करूंगा सर. मैं वर्कर को ट्रेनिंग दूंगा, वर्कर को ट्रेनिंग दूंगा सो दैट वो अच्छे से मटेरियल यूज करेगा. वेरी गुड सर. अच्छा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ये मेथड से हो सकता है, और कुछ मेथड? क्या बात है सर. सर मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकता हूं, इन्होंने बोला बल्क क्वांटिटी में परचेस करो. आपने सीखा ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेनिफिट फ्रॉम मास प्रोडक्शन. ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस किया तो ज्यादा मटेरियल परचेस करूंगा, ज्यादा मटेरियल परचेस करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा. वेरी गुड. और थोड़ा सब्स्टिट्यूट मटेरियल परचेस किया, यानी थोड़ा कम प्राइस वाला मैंने परचेस किया तो भी मेरा कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है. तो सर आर यू गेटिंग दिस? सर कॉस्ट कंट्रोल करके क्या होएगा सर? क्या बात है, इंस्टेंट आंसर दिया. इन्होंने क्या बोला सर? कॉस्ट अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप आपका प्रॉफिट बेहतर कर सकते हो. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. तो सर जी कॉस्ट कम करके ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. तो अगर समझ गया तो बताइए कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में. कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय डिसीजन ऑफ मैनेजर. एक सेकंड, आराम से. कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय डिसीजन ऑफ कंसर्न्ड मैनेजर. और एक वर्ड ऐड किया, कंसर्न्ड मैनेजर. एक सेकंड ना, मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल यूज होना, मटेरियल परचेस करना, मटेरियल की कॉस्ट सेल्स मैनेजर कंट्रोल कर सकता है क्या? सर कितना जबरदस्त एग्जांपल दिया, मटेरियल की कॉस्ट जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज कर रहे, क्या वो सेल्स मैनेजर कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं सर. ये कौन कंट्रोल कर सकता है? शाबाश, प्रोडक्शन
मैनेजर सर, इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन मैनेजर, अनकंट्रोलेबल फॉर ऑल अदर मैनेजर, अनकंट्रोलेबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल है। इसलिए मैंने क्या बोला सर, कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय द डिसीजन ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न्ड मैनेजर, तो वो उसके लिए कंट्रोल है, बाकी सब लोगों के लिए क्या है, अनकंट्रोलेबल है। डिलीवरी एक्सपेंसेस कौन कंट्रोल कर सकता है सर, यानी जो डिलीवरी का व्हीकल है वगैरह उसका खर्चा प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल कर सकता है या सेल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जो कॉस्ट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, कंट्रोलेबल, बाकी सब लोगों के लिए क्या है, अनकंट्रोलेबल है। हाँ या ना सर, वी स्मार्ट एकेडमी में, ध्यान से सुनना सर, वी स्मार्ट एकेडमी में सर जी नोट्स मैं देने वाला हूं, वी स्मार्ट एकेडमी में नोट्स मैं देने वाला हूं, ठीक है, बाकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह ये सब कुछ वी स्मार्ट का है, मेरा काम बस है सिखाना और नोट्स प्रोवाइड करना अच्छे से। तो अब आप मुझे बताएंगे नोट्स का खर्चा मेरे लिए कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, मेरे लिए कंट्रोलेबल है, वी स्मार्ट के लिए अनकंट्रोलेबल। सर मार्केटिंग का खर्चा वी स्मार्ट के लिए कंट्रोलेबल है, मेरे लिए अनकंट्रोलेबल है। मैं कितना भी डिसीजन लिया तो भी मार्केटिंग में मेरा कुछ रोल ही नहीं है। तो ये था सर जी आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, प्लीज राइट डाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। उसमें पहला लिखो कंट्रोलेबल, उसमें पहला लिखो कंट्रोलेबल। दीज कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, दीज कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड by action of specific concerned manager, by action of specific concerned manager, example direct material cost, direct labor cost, example direct material cost, direct labor cost, can be controlled, direct material cost, direct labor cost can be controlled by production manager, next paragraph sir, uncontrollable cost, cost which cannot be controlled or influenced, cost which cannot be controlled or influenced by action or influenced by action of any manager, of manager, any mat word use kar, then it is uncontrollable cost, concern manager, aisa bhi likh sakte, koi problem nahi. Ha sir ji, kaha tak likha aapne, sorry, cannot be na, cannot be, हाँ सर, cost which cannot be controlled or influenced by action of manager, then such cost will be uncontrollable,
such cost will be uncontrollable for that manager. Such cost will be uncontrollable for that manager. Uncontrollable for that manager. Okay. सर जी कौन सा हो गया एक बार चेक करो सर. एवरीवन प्लीज अगेन सर जी रेफर करते हैं वो पहला चार्ट. एक हो गया सर जी कंट्रोलेबिलिटी. सर नेक्स्ट कौन सा है अभी नॉर्मेलिटी. सर जी ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है. दो टाइप के कॉस्ट है सर नॉर्मेलिटी के बेसिस पे. एक है आपका नॉर्मल कॉस्ट, एक है आपका एबनॉर्मल कॉस्ट. एकदम सिंपल नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. सर आज का ही लाइव एग्जांपल ले लेता हूं. सर मुझे ये बताइए आज ये इलेक्ट्रिसिटी लग रही है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. सर ये सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं हम लोग ऑफिस में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. आर यू श्योर ना. ये जो डेप्रिसिएशन है सारे सिस्टम का नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. नॉर्मल है सर. आज जैसे मैंने आपको बोला मेरे इंटरमीडिएट के रिविजन लेक्चर में बंदर आ गए. कॉस्ट लग रहा है अभी आया है कॉस्ट लगना बाकी. सर उसने मेरा जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली गिरा दिया सर. एक्चुअल में वीडियो है आप देखेंगे सर जबरदस्त डायरेक्ट जंप किया उसने और मेरा पूरा सर जी लैपटॉप मोबाइल जितने भी चीजें थी डेस्क पे वो सब उसने गिरा दिया सर. उसके वजह से मेरे मोबाइल में स्क्रैच आया हुआ है. ठीक है मेरा स्क्रीन खराब हो गया एप्पल का. अब आप मुझे बताए मुझे खर्चा लगने वाला है सर मिनिमम 12,000 रुपए उसको स्क्रीन चेंज करने का. ठीक है तो ये नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है. आर यू श्योर एबनॉर्मल कॉस्ट है. अरे हाँ ना सर समझा. ओके सर ठीक है सर. नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं. मटेरियल चोरी हो गया सर स्टोर रूम से. आर यू श्योर एबनॉर्मल. सर जी आप गाड़ी चला रहे थे ठीक है यानी सर ड्राइवर है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फुल दारू पी के टूल होके गाड़ी चला रहा है. ठीक है उल्टे साइड से गाड़ी चला रहा है जिधर से आना था उधर से जा रहा है सर तो फाइन लग गया सर 10,000 रुपए का. नॉर्मल है एबनॉर्मल है. सर ट्रक का कैपेसिटी 5 टन का था आपने 10 टन का माल ठूस दिया उसमें. नॉर्मल है एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल है ठीक है सर जी. इसके बाद आपने चाइल्ड लेबर को काम पे रखा सर इसके वजह से गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए का फाइन लगाया आपके चाइल्ड लेबर. सर नॉर्मल है एबनॉर्मल कॉस्ट है. एबनॉर्मल कॉस्ट है ठीक है सर जी. फ्लड आ गया अर्थक्वेक आ गया इसके वजह से कुछ कॉस्ट लगा है. नॉर्मल है एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल है सर. लॉकआउट हमारी मांगे पूरी करो काम पे नहीं आएंगे सर. तो वर्कर है ना सर वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया पेमेंट ले रहे लेकिन काम नहीं कर रहे जो कॉस्ट लग रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल है ठीक है सर जी. नॉर्मल कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर. एबनॉर्मल कॉस्ट कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर. मैंने आपको बोल दिया मेरा मोबाइल का स्क्रीन गया ठीक है हर एक स्टूडेंट 500-500 रुपए निकालो. मेरा क्लास लेते वक्त गया ना मेरा 500 रुपए निकालो. आप रेडी होंगे क्या. आंसर इज नो. तो सर एबनॉर्मल कॉस्ट का करना क्या है सर ध्यान से सुनना. अभी एबनॉर्मल मटेरियल का कॉस्ट एबनॉर्मल लेबर का कॉस्ट एबनॉर्मल ओवरहेड का कॉस्ट ये जाएगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. किधर जाएगा सर याद करो. अभी यहां तीन टॉपिक में आने वाला है एबनॉर्मल मटेरियल एबनॉर्मल लेबर एबनॉर्मल ओवरहेड. ये किधर जाएगा सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एज अ खर्चा दिखाएंगे आप आपके पी एंड एल अकाउंट में. ये कस्टमर से रिकवर नहीं होगा. ये कॉस्ट शीट में नहीं जाएगा. ये कस्टमर से रिकवर होगा सॉरी नहीं होगा. आपको आपके पॉकेट से इसको बेयर करना पड़ेगा. ये एबनॉर्मल कॉस्ट है सर. फिर नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या है. एबनॉर्मल तो समझ गया जो कस्टमर से रिकवर करना है जो कंपलसरी लगती है सर. कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. अरे वाह कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट. लेकिन एनी कॉस्ट इनकर्ड ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ एबनॉर्मल कॉस्ट. हाँ थोड़ा वेरिएशन हो सकता है. थोड़ा वेरिएशन का मतलब क्या सर.
थोड़ा वेरिएशन हो सकता है. सपोज मटेरियल थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया वर्कर लोगों ने, इफिशियंसी कम था वर्कर का, थोड़ा बहुत चलेगा. लेकिन सर अगर बहुत ही ज्यादा है, नॉर्मल के ऊपर है, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा. सर अब आप बताइए, कंपनी नॉर्मल कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है या एबनॉर्मल कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा? सर जी एबनॉर्मल या नॉर्मल, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, कॉस्ट कौन सी कंट्रोल करेगा, नॉर्मल या एबनॉर्मल? अच्छा नॉर्मल. अभी मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट ऑब्वियसली कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सर सर एबनॉर्मल खर्चा लगना नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि एबनॉर्मल से कस्टमर से रिकवरी नहीं होगा, ये आपके पॉकेट से जाने वाला है. ठीक है, तो सर ये फाइन लगना, पेनल्टी होना, लॉकआउट होना, सर ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये अवॉइड होनी चाहिए. ठीक है, राइट डाउन. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी. सर हेडिंग दिया है या नहीं दिया है? हेडिंग नहीं दिया. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी. नॉर्मल कॉस्ट. दीज कॉस्ट आर नॉर्मली इनकर्ड. दीज कॉस्ट आर नॉर्मली इनकर्ड These costs are normally incurred at given level of output. Normally incurred at given level of output. Normal cost is a part of cost sheet. Normal cost is a part of cost sheet. We can recover normal cost. We can recover normal cost from customer. We can recover normal cost from customer. Next paragraph, abnormal cost. Next paragraph, abnormal cost. Cost which is not normally incurred. Cost which is not normally incurred at given level of output. At given level of output. Is called as an abnormal cost. Is called as abnormal cost. Abnormal cost burden cannot be recovered. Abnormal cost burden cannot be recovered from customer. Sir, agree ho is pe? Abnormal cost burden cannot be recovered from customer. Cannot be recovered from customer. We'll have to charge abnormal cost. We'll have to charge abnormal cost to costing profit and loss account. We'll have to charge abnormal cost to costing profit and loss account. To costing profit and loss account. Example, loss of material by theft. Example, loss of material by theft. Natural calamity. Natural calamity. Fire,
स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट कॉमा करके लिखिए, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। यस सर, कंप्लीटेड। तो सर क्लासिफिकेशन का मेरे एंड पे एक लास्ट पार्ट पेंडिंग है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। लास्ट पार्ट क्या है सर? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है सर, बस ये लास्ट पार्ट मेरा बाकी है। आज आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। मुझे आप मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स फैक्ट्री ओवरहेड का देंगे, मिनिमम 10 एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का देंगे, मिनिमम 10 एग्जाम्पल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का आप लिख के लाएंगे सर। आपके नोटबुक में मत लिखना, हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम लोग लिखना है। सर क्या बोला? फैक्ट्री के 10 ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल 10, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल 10, ये आपको लिख के लाना है। रफ पेजेस पे लिख के आएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते कितना लोग, 10 यानी मिनिमम है, 20 25 30 हुआ तो भी चलेगा। जितना आपके पास बुक्स है, जितना आपके पास मटेरियल है, जितना इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, मुझे मैक्सिमम चाहिए सर। ज्यादा से ज्यादा कौन लेके आता है सर एग्जाम्पल? ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, लेट्स सी। क्योंकि सर ये सारे जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे तब। ठीक है, तो सर बस लास्ट पार्ट में पेंडिंग रखता हूं कल के लिए। इसके बाद सर जस्ट अ मिनट, देखो सर कितने हैं डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, कितने सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, बाप रे, एल एम एन ओ पी क्यू क्यू सर, ये सर क्यू तक है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ कुछ पार्ट आपको थोड़ा हेवी जाएगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, बट विल ट्राई टू यानी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर सर जी सिंपल क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, इन शॉर्ट जो आपको आगे टॉपिक्स है उसका इंट्रोडक्शन है सर। कौन से टॉपिक है? देखो सर, बैच कॉस्टिंग है ना, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। तो उसका जस्ट ब्रीफ एक थ्योरी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके बाद एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एक और क्वेश्चन करना है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस है, लिमिटेशन है, ऐसे कुछ बेसिक जो थ्योरी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे कल के लेक्चर में। एंड हाँ सर, कल के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन दूंगा कल से। थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, रिविजन आपको करना है एवरी डे। Thank you very much. See you in the next lecture.